हाय गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले टाइटन इवेंट के बारे में, जिसके अंदर आप लोगों जो यार हमारा टूर्नामेंट चल रहा है टाइटन इन्विटेशनल वाला, जिसके अंदर आप लोग प्राइज़ क्या मिलेंगे। जैसे कि गाइस यार पुरानी वीडियो के अंदर मैंने आप लोग बताया था कि इसके अंदर आप लोग प्राइजेस देखने को मिलेंगे एंड इसके अंदर आप लोग को एम दिया जाएगा वोचिंग का, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग प्राइज़ क्या मिलेंगे या आप लोग बताएंगे एंड जो हमारा नेक्स्ट वेपन रॉयल जो है वो क्या देखने को मिलेगा, तो गाइस सारा कुछ डिस्कस करने वाला है इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो में बने रहिए एंड अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आगे भी ऐसे अपडेट्स एंड लिंक्स मिलती रहे। और अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग करना कुछ नहीं, एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके वापस सब्सक्राइब करना है एंड जो बेल आइकन है उसको ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना है ताकि जैसे ही वीडियो हम लोग अपलोड करें तो आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जो है हमारा टाइटन इन्विटेशनल जो बैटल जो भी है टूर्नामेंट चलने वाला है, ठीक चल रहा है, तो इसके अंदर आप लोग को दो मैचेस देखने को मिलेंगे, जैसे क्लैश स्क्वाड और एक बैटल रॉयल। तो फर्स्ट दिन तो आप लोग क्लैश स्क्वाड के अंदर जो टूर्नामेंट होगा एंड सेकंड वाला बैटल रॉयल के अंदर होगा टाइटन इन्विटेशनल वाला, ठीक है। जो फर्स्ट मैच है हमारा 16 जनवरी को एंड दूसरा देख तो यहाँ पे 6 दोनों का टाइम जो है 6 बजे से, ठीक है। एंड इसका नीचे देखोगे तो 17 तारीख को है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यार पूरा जो कैलेंडर होता है वो आ चुका है 16-17 को, तो आप लोग पता है FFIT जो इन्विटेशनल वाला है उसका होगा एंड नीचे जो है एक और नया जो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद FFBC जो नया टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा एंड इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 20 तारीख से, ठीक है। तो 20 तारीख से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इसके अंदर और आप लोग रजिस्ट्रेशन देखने में खुला मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आराम से देख सकते हो एंड इसके अंदर आप लोग मिलना क्या वाला है, तो चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को बिना किसी देरी के, ठीक है। सो गाइस जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो तो ये दो चीज़ें आप लोग देख पाएंगे। डे फर्स्ट को आप लोग जो है ऑक्टोबस टाइप का कुछ बैकपैक या सॉरी लूट बॉक्स मिल सकता है। तो गाइस यार जहाँ तक मेरे को पता है ये लूट बॉक्स ही लग रहा है और उसके अलावा कुछ भी चेंजेस होता है तो आगे आप लोग को बता देंगे। वैसे तो गाइस यार आप लोग क्या लग रहा है ये लूट बॉक्स है या कुछ और है, ठीक है। तो ऑक्टोबस टाइप का ये आप लोग लूट बॉक्स मिलेगा। इसके साथ साथ जो है यार एक और फ्री के अंदर जो इमोट है, वैसे ये पुराना वाला है बट ये आप लोग फ्री के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसका एम रखे सेम वही रहेगा, टास्क रखेगा जो कि लाइव स्ट्रीम वाला कंप्लीट करोगे तभी आप लोगों को ये जो मिलेगा, ठीक है। तो यार ये बिल्कुल फ्री के अंदर दोनों मिलने वाले हैं, ठीक है। तो टाइटन इन्विटेशनल का हो गया एंड अभी बात कर लेते हैं हमारा जो यार नया वेपन रॉयल है, ठीक है। तो नए वेपन रॉयल के आप लोगों अंदर जो कैसे है वो नई M4A1 की स्किन देखने को मिल जाएगी। फिलहाल एबिलिटी का पता नहीं बट गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो फोटो आ रही है M4A1 की, तो यार ये नए लुक देने वाले, नया लुक दिया है M4A1 की स्किन को, ठीक है। एंड इसका एबिलिटी फिलहाल नहीं बता सकते क्योंकि गाइस जो ब्राज़ील सर्वर है इसके अंदर ये आई हुई है वेपन रॉयल के अंदर एंड ब्राज़ील सर्वर के अंदर बोले तो गाइस यार कोई एबिलिटी नहीं होती गन की, ठीक है। वहाँ एक नॉर्मल टाइप स्किन होती है, ठीक है। आप स्किन रखो कोई बात नहीं बट वहाँ पे एबिलिटी वगैरह नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। तो इसका एबिलिटी बताना अभी मुश्किल है, ठीक है। तो ये वाली आप लोगों को नया देखने को मिल जाएगा और ये वाला स्किन आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी गाइस यार एक और आप लोगों को अपडेट मतलब अपडेट दे देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये है मतलब गाइस जो अभी स्कैमिंग चल रही है उसके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ दिखा रहा, तो गाइस स्क्रीन पे जो स्क्रीनशॉट देख पा रहे आप लोग, तो गाइस यार एक ऐसा ही टाइप का एक लिंक होता है, ठीक है। लिंक दिया जाएगा आप लोग, स्कैमर लोग जो क्या करते हैं इस टाइप का एक लिंक देते हैं आप लोगों को, जाके टूर्नामेंट ज्वाइन करो इसके अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हो हर कौन सी लिंक पे क्लिक कर देते हो एंड इसकी जगह पर अपने आईडी पासवर्ड डाल के आ जाते हो इनके पास और उसके बाद होता है क्या है कि आप लोग जैसे आईडी पासवर्ड डालोगे तो उसका आईडी पासवर्ड चला जाएगा स्कैमर के पास और उसके बाद आप लोग आईडी कुछ ही देर के अंदर आपका आईडी का पासवर्ड चेंज हो जाएगा और सब कुछ चेंज कर देगा वो बंदा एंड आप लोगों की आईडी स्कैम हो जाएगी। तो गाइस यार इस सबसे बच के रहना एंड अभी गाइस यार ये सबसे ज्यादा ही चल रहा है एंड मेरे पास आ गया था इसलिए मैं आप लोग बता रहा हूँ। पिछली वीडियो के अंदर भी आप लोग बताया था बट उसके अंदर मैंने आप लोगों को ऐसा कुछ प्रूफ वगैरह नहीं दिया था क्योंकि गाइस वो सब एक बार मेरे भी साथ भी हो चुका है, ठीक है। क्योंकि गाइस यार मैंने जो मेरा जो आप लोगों को बताओ तो यार मैंने 7 महीने पहले जो एक टूर्नामेंट किया था उसका एक पोस्टर था, ठीक है, वो ये बंदा यूज कर रहा था इस टाइप का, ठीक है। तो फिर मैंने उसके वाट लगवा दी, ठीक है, वैसे तो उसकी वाट लगवा दी और पोस्टर वगैरह सब हटवा दिए, ठीक है। तो बट गाइस यार ऐसे आप लोग कोई भी फालतू का लिंक जो भी देवे और आप लोग फ्रेंड भी हो तो वो बोल दे कि इस लिंक पे क्लिक करके टूर्नामेंट में रजिस्टर कर दे एंड वहाँ पे कौन सा भी ऐसी फालतू की लिंक पे क्लिक कर लो, ठीक है। क्लिक वगैरह करने मत या तो, और हर किसी भी वेबसाइट पे मतलब कहीं पे भी अपना आईडी पासवर्ड मत डालना फेसबुक आईडी का, वरना तुम्हारी जो यार फेसबुक जो फ्री फायर की आईडी है वो हैक हो सकती है और उसके बाद मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। मैं उसके बाद बताने भी नहीं वाला कि गाइस आप कैसे कर सकते हो रिकवर। और वैसे तो गाइस यार अब स्कैमर है यार आईडी वापस क्यों देगा, ठीक है। तो वैसे तो मैंने
ऐसे पहले एक बार दो तीन बंदों की दिलवा दी थी, ठीक है, उस हैकर की जो भी स्कैमर उसकी फट के हाथ में आ गई थी, तो उसने दे दी थी। बट गाइस यार हर स्कैमर की फट के हाथ में नहीं आती, ठीक है, तो आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, तो इससे बच के रहना, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्या एक फेसबुक का लिंक बना के देते हैं जो कि स्क्रीन शॉट में देखा होगा, ठीक है, एकदम फेसबुक जैसे लगेगा और आप लोगों को मतलब इस तरीके से स्कैम किया जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो में सिर्फ नहीं, अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को